Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. I hope आप सब अच्छे होंगे और सभी सेफ होंगे कोविड पैंडेमिक में. तो इसीलिए मैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मैं अपने ये लेक्चर्स कंटिन्यूस अपने स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए डाल रही हूँ. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे. और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज मीनार्क एंड मीनोपॉज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दीज डेज वी आर फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन चैप्टर. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीनार्क और मीनार एंड मीनोपॉज. तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है. कभी भी हम लोग जब भी बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग एक आसान तरीके से पढ़ना उसको जरूरी है. बहुत उसको कंसेप्ट को जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है. आपको टर्म्स का मतलब समझने के बाद ही उसका आधा मतलब क्लियर हो जाता है. जैसे आप उस टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं तो आप आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है बायोलॉजी की. कुछ लोग बायो के टर्म से ही घबराते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसमें आपको बेसिक्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. और नाउअडेज वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन क्लासेस ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस, यू कैन ज्वाइन मी ऑनलाइन ऑन जूम. और एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी. सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर यहाँ से. तो मीनार की अगर स्टूडेंट बात करें तो द बिगिनिंग और कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल्स में, तो यहाँ पे उसकी बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है. और जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंचती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कमेंसमेंट होता है उसका बिगिनिंग ऑफ आप लिख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुएशन भी कह देते हैं हम लोग इसको, और इसी को हम लोग बोलते हैं मीनार. और अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो फर्स्ट मंथली पीरियड जो होगा दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन एंड इसी को हम लोगों ने मीनार्क बोला है. मीनार्क मीन्स जस्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऐसा नहीं कि आप हर मंथ वाले जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी आप उसको मीनार्क बोलेंगे. जब आपका ऑनसेट होगा मेंस्ट्रुएशन, स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद मेंसुरेशन टॉपिक, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स. सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो बी फोकस्ड हियर. दिस इज मेंस्ट्रुएशन नॉट मेंसुरेशन. सो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ ए वुमेन एंड नॉर्मली इट अकर्स एट द एज ऑफ 10 to 14 years. ओके, ये जानना बहुत जरूरी है कि कब इसका ऑनसेट होता है. नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं किस एज में होता है. ये तो क्लियर है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है. दूसरा बात स्टूडेंट, हम लोग मीनोपॉज की बात करते हैं तो पॉज का मतलब ही हो जाता है ब्रेक, या ब्रेक या स्टॉप बोलेंगे, ब्रेक नहीं है स्टॉप बोलेंगे, पॉज हो गया. अब एट द एज ऑफ कब, जब कभी भी कोई फीमेल 50 से 55 इयर्स की एज पे पहुंचती है तो उसकी बॉडी में जो हमारे ओवरी होते हैं वो ओव्यूलेशन स्टॉप कर देते हैं, मींस ओवा का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाती है एंड मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप्स, या यू कैन राइट हियर स्टूडेंट डिसकंटिन्यू. और द ओवेरियन एज वेल एज यूट्रस सेल्स, यूट्रीन जो सेल्स होंगे वो भी साइकिल्स भी स्टॉप हो जाएंगी. यहाँ पे जो ओवरी में और जो यूट्रीन में साइकिल्स चल रही होंगी यूट्रस में, वो सब कुछ स्टॉप हो जाएंगी, तभी हम लोगों ने इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज को ही हम लोगों ने मीनोपॉज बोला है. और मीनोपॉज को स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप एक लाइन लिख लें, बहुत ही इजी टर्म में आपको बता रही हूँ, दैट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंप्लीट स्टॉपेज भी आप बोल सकते हैं.
यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट स्टॉपेज हो जाएगा और यहाँ पे जितनी भी अदर साइक्लिक इवेंट्स हैं उनमें भी स्टॉपेज आएगा। और सबसे खास बात स्टूडेंट्स इस मीनोपॉज स्टेज की ये है कि मीनोपॉज के बाद कोई भी फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। फीमेल लूजेस द एबिलिटी ऑफ फीमेल लूजेस द एबिलिटी ऑफ लूजेस एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि रिप्रोडक्शन के बिना किसी भी स्पीशीज का यहाँ पे ओरिजिन नहीं हो पाएगा, और रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी है जस्ट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये आती है कि मीनोपॉज जब आता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सा हार्मोन होता है जो डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो फीमेल बॉडी में हार्मोन्स है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और बहुत सारे और भी चेंजेस आते हैं। बोन मैटर लॉस होने लगता है, बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, तो मीनोपॉजल बहुत सारी चीजें होती है। और एक खास बात स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो के एंड होते होते बताना चाहूंगी कि जो टाइम पीरियड होता है नीनाक से लेकर मीनोपॉज तक का, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ। आप किसी भी गर्ल की अगर बात करें तो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कब शुरू होगी, एट द एज ऑफ 10 to 14 मीनार की कंडीशन, और उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो मीनोपॉज वाली स्टेज में खत्म हो जाए। तभी हम लोग दो टर्म यूज करते हैं, प्री रिप्रोडक्शन, पोस्ट रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज मीनोपॉज एंड मीनार। So this is all about today's lecture, my dear students. I hope we will meet soon. Thank you. Bye bye. Take care.